हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 2 नवंबर 2020, मंडे है, सुबह के 8:33 हो रहे। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला दिन है इस वीक का और नया मंथ भी शुरू हो रहा है। लास्ट वीक हमने देखा निफ्टी ने 12,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया है लगातार, और फेल हुआ है 12,000 के ऊपर सस्टेन करने के लिए। वहां से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी इस वीक क्या निफ्टी में लेवल्स हो सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, ये आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। यूएस मार्केट फ्राइडे को जबरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ, 274 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स लास्ट 1 मंथ से एक कमजोरी दिखा रहे। यूके ने फिर से एक बार दूसरा लॉकडाउन यहाँ पर जाहिर कर दिया है, और आने वाले थर्सडे से 4 वीक तक वहाँ पर पूरा देश लॉकडाउन में होगा। तो कोरोना वायरस के केसेस यूरोप में भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। एशियाई बाजार देखे तो आज एसजीएक्स निफ्टी 28 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स भी मजबूती इस समय दिखा रहा है। डाव फ्यूचर को देखे तो 93 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा मिला जुला कारोबार चल रहा है। इस वीक एक बड़ा इवेंट है, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा वोलेटाइल मूवमेंट दिखा सकता है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में हमने इस स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यहाँ पर यूज़ किया था और ये लेवल्स को प्रोजेक्ट किया था। ऊपर 11,931 के पास वीकली चार्ट में ये क्लोज नहीं दे पा रहा था, इसी के पास आके ये क्लोज हो रहा था। हर्डल फेस कर रहा है यहाँ पर लगातार 4 वीक से। तो अभी नीचे की तरफ 11,500 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और उसके नीचे 11,000 अगर 500 ब्रेक होता है तो ये 11,244 यानी 250 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। आरएसआई को देखें तो आरएसआई में एक इस समय एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, डबल टॉप फॉर्मेशन, ये कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट टॉप है और फिर ये सेकेंड टॉप, और इसने नीचे आते वक्त इस नेक लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया। तो हो सकता है यहाँ से ये फॉल जो है 11,500 अगर ब्रेक होता है तो हमें 11,250 के लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। लास्ट 4 वीक से ये 12,000 के ऊपर यानी ये जो लेवल है 11,931 के पास वीकली चार्ट में क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है ऊपर जाने के लिए 12,000 एक जबरदस्त हर्डल का काम करे। 12,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई सकती है। अदरवाइज 11,500 एक मेजर सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो 11,250 के लेवल्स हमें निफ्टी इंडेक्स में इस वीक देखने को मिल सकते हैं। तो ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में ये जो फॉल आया था इसका लो और हाई जो अपसाइड मूव था प्रीवियस, उसको पकड़ के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया था।
तो ठीक उसका 38.2% का है जो लेवल है 11,550, ये 50 EMA है डेली चार्ट में, जहाँ पर 50 EMA का ब्लू लाइन आ रहा है, ये भी 11,529 के पास आ रहा है। यहाँ पर स्ट्रांग डबल सपोर्ट बन रहा था, एक तो फिबोनाची का, फिर ये 50 EMA का। तो फ्राइडे को हमने देखा इसी लेवल के पास से सपोर्ट टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ एक बाउंस बैक देखा है, ऑलमोस्ट ये एक इनडिसिजिव पैटर्न कह सकते हैं, जहां पर ओपन हो रहा है उसी के आसपास आकर क्लोज हो रहा है लास्ट 2 डेज से। तो यहाँ पर ऊपर ये 20 EMA है जो कि ये पिंक लाइन है, ये 11,730 के पास है, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और ये नीचे 11,529 ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अगर 500 को ब्रेक करता है तो हमें फर्स्ट लेवल टारगेट होगा 11,406 का, जो कि 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है ये अपसाइड मूव का। तो 11,400 ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं अगर 500 को ब्रेक करता है तो। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे क्विकली। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये जो सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर, इसके बाद नेक्स्ट ऊपर वाला सपोर्ट देखे तो यहाँ पर स्विंग लो बन रहा है, तो ये जो स्विंग लो है इसी के पास आके ये क्लोज हुआ है फ्राइडे को। तो इसके ऊपर का स्विंग लो देखे तो ये यहाँ पर आ रहा है अराउंड 11,681 के पास, और उसी के पास ये पिंक कलर का 20 EMA आरली चार्ट में आ रहा है, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। यानी 11,685 के ऊपर निफ्टी इंडेक्स अगर सस्टेन करता है 10 या 15 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 11,708, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,728, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो फ्राइडे का इसने स्विंग लो बनाया है यानी 11,559, इसको अगर ब्रेक करे टूवर्ड साउथ की तरफ तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,536, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,518, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।